हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पालक पराठा। पालक पराठा बनाने के लिए मैंने थोड़ी पालक ले ली हूँ। जितने पराठे बनाने हैं उतनी पालक लेना है। मैंने ज़्यादा पराठे नहीं बनाऊँगी, इसलिए मैंने थोड़ी पालक ले ली हूँ। मैंने ये पालक को अच्छे से धो के साफ़ करके मिक्सी जार में पीस ली हूँ। और ये गेहूँ का आटा ले ली हूँ। ये आटे में पेस्ट डाल दूँगी और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूँगी, यही पेस्ट से गूंथूंगी। इसमें अजवाइन डालूंगी और टेस्ट अनुसार नमक। ये पराठे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और हेल्थफुल भी रहते हैं। ऐसी पालक तो खा के नहीं होती। और इसी पेस्ट से मैं ये आटे को गूंथ लूँगी, अच्छा सा सॉफ्ट सडो बना लूँगी, जैसे अपन रोटी के लिए बनाते हैं वैसा। देखो मैंने, और इसको 5 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं इसको अच्छे से और गूंथूंगी और सॉफ्ट सा बना लूँगी। मैंने ये गूंथ ली हूँ और मेरे को 4 पराठे बनाने हैं, इसलिए मैं 4 लड्डू बना ली। ये कोरपाट है, मराठी में इसको कोरपाट ये... बोलते हैं, हिंदी में इसको चकला बोलते हैं। ये क्या मेरे पास बोलते है लेकिन मैं इसका यूज नहीं करती, मैं प्लेटफॉर्म का यूज करती हूँ। अच्छे से साफ कर ली उसको, प्लेटफॉर्म को, और उसी में बनाऊंगी। तवा गरम करने के लिए रख दी हूँ। रोटी बेल के उसके आधे हिस्से में ऑयल लगाना है, फिर उसको मोड़ के आधे हिस्से में ऑयल लगाना है, फिर त्रिकोण सा शेप दे देना है और बेलना है। तीनों तरफ से बेलते हुए लेके जाना है। तीनों कॉर्नर मेरे मोबाइल का कैमरा खराब हो गया था, इसलिए मैंने दूसरे मोबाइल के से शूटिंग की, तो इसकी सेटिंग मेरे को नहीं जमी बराबर। तवा गरम करने के लिए रख दी थी पहले ही मैंने, इसके ऊपर पराठा रख दी हूँ। और पराठे को पलट देंगे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से पलटा देंगे। दूसरा पराठा वैसे ही बनाना है। एक पराठा बन गया, मैंने वो वीडियो डिलीट हो गई उसकी, थोड़ी सी स्किप। मैं दूसरा पराठा डाल दी हूँ। दूसरा पराठा की तरफ से एक तरफ से सेक ली हूँ, फिर दूसरी तरफ से सेकूँगी और उसके ऊपर ऑयल लगा लूँगी। हो गए हमारे पराठे। साइड के गंजी में दूध है, गरम करने के लिए रखी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें,
कमेंट करना तो ना भूले। हमारे पराठे बन गए हैं। देखो हमारे पराठे, थैंक यू।